हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जल्दी सभी लोग लाइव आ जाओ। आज की क्लास, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सर्वेइंग की कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। आज आपका जो सर्वेइंग का ये पार्ट 4 है, ऑब्वियस हमने थर्ड पार्ट में क्वेश्चन सीरीज को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मोर देन 150 प्लस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। तो इसी क्वेश्चन सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर वन का सभी लोग आंसर दो। द कर्व सरफेस विच एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ लेवल प्लेन, अ लेवल सरफेस या फिर अ वर्टिकल सरफेस, विच वन इज करेक्ट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर वन का आंसर दो सभी लोग। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है क्वेश्चन नंबर वन का। क्वेश्चन नंबर वन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अलेवल सरफेस। अलेवल सरफेस, लेवल सरफेस क्या होता है सभी को पता है क्या? अर्थ सरफेस के पैरेलल अगर हम कोई भी सरफेस ड्रॉ करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अलेवल सरफेस। तो ये आपका क्या होगा, लेवल सरफेस, और ये क्या हो गया, दैट इज अर्थ सरफेस। आपको पता है कि यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। अर्थ में क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर हर एक एलिमेंट पर जो भी पॉइंट होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच भी डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच भी डिस्टेंस क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा क्या? तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि लेवल सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट सेंटर ऑफ द अर्थ से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। तो ऑब्वियस है अगर ये पैरेलल लाइंस है तो मतलब जो भी प्रॉपर्टीज आपकी अर्थ सरफेस की होगी वही सारी प्रॉपर्टीज आपकी किसकी हो जाएगी, लेवल सरफेस की भी हो जाएगी। आपको पता है कि अर्थ सरफेस पर कोई भी पॉइंट पर अगर आप प्लंब लाइन ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर होता है क्या? अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो मैं भी बोल सकते हैं ना कि प्लंब लाइन ऑब्वियस है, किसी भी एलिमेंट पर लेवल सरफेस के किसी भी एलिमेंट पर अगर आप या फिर किसी भी पॉइंट पर अगर आप प्लंब लाइन ड्रॉ करोगे तो वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। So option number C is correct, a level surface. Now question number 2 का answer दो। जल्दी से बोलो question number 2 का answer दो। A plane which is perpendicular to the plumb line through a point and is tangential to the level surface at that point is called as। Question number 2 का जल्दी से answer दो। कुछ basic question है, important questions है, जो expected ही question में आ सकते हैं। Question number 2 का जल्दी से answer दो। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले आंसर करेक्ट आंसर दिया था सनवाज ने, देन राजनवर्स, देन अबलेस मीना, ये तीन लोगों ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। देखते हैं सबसे पहले आंसर, वेरी गुड, अबलेस मीना ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 का डी, बहुत बढ़िया है। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, अगर अर्थ सरफेस ने अर्थ सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करें तो इसी जो टेंजेंशियल लाइन को ड्रॉ करते हो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया क्या, ये पॉइंट कहां पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पॉइंट है, और यही पॉइंट कहां पर है, अर्थ सरफेस पर है क्या? अगर अर्थ सरफेस पर इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें या फिर प्लंब लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है क्या कि ये अर्थ सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियस है हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। अ स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू द प्लंब लाइन एट अ पॉइंट एंड टेंजेंशियल टू द
level line at that point is called. Question number third cancer. क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर देते हैं, सबसे पहले आंसर कौन कहता है, अ स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू द प्लंब लाइन एट अ पॉइंट एंड टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड. थर्ड का बी, वेरी गुड अब्लेस मीना, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दो, अ लेवल लाइन इज अ line parallel to the mean spheroidal surface of earth, या फिर line normal to the plumb line at all points, horizontal line, या फिर both A and B. Question number fourth का answer दो, जल्दी से answer दो question number fourth का. फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ ऑप्शन नंबर सी, दैट इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर दो, एनी आर्बिट्रेली एज्यूम्ड लेवल लाइन फ्रॉम विच वर्टिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इज नोन एज, एनी आर्बिट्रेली एज्यूम्ड लेवल लाइन फ्रॉम विच वर्टिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इज नोन एज, level line, vertical line, horizontal line, या फिर datum line. Question number fifth का answer. देखते हैं question number fifth का सबसे पहले correct answer कौन देता है. वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ डैटम लाइन. डैटम लाइन के रिस्पेक्ट में ही हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर दो, द डिफरेंस बिटवीन अ लेवल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज दैट. लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, लेवल लाइन इज नॉर्मल टू प्लंब लाइन व्हाइल हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट नेसेसरी. Level line is a curved but horizontal line is a straight line. Both lines are same lines. None of the above. क्या होगा? Obviously option number B is correct. क्योंकि होता क्या है? Level line और horizontal line दोनों ही क्या होते हैं? Plumb line के perpendicular होते हैं. But यहाँ पर option इसने गलत दिया हुआ है. Not necessary ये तो necessarily है. तो level line क्या होता है? Curved होता है और horizontal क्या होता है? Straight होता है. So क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर सेवन के आंसर दो, अ रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन अबव डैटम इज कॉल्ड. क्वेश्चन नंबर सेवन के आंसर दो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेवन के आंसर दो, a relatively fixed point of known elevation above datum is called datum point, benchmark, reduced level, या फिर reference point. Which one is correct? क्वेश्चन नंबर सेवन के आंसर दो, जल्दी से आंसर दो. बेंचमार्क, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर एट के आंसर दो,
A staff rating taken on a benchmark or change point is known as benchmark या फिर change point पर जो आप readings लेते हो staff की उसको हम क्या बोलते हैं back side, fore side, intermediate side या फिर none of the above, which one is correct? यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन ये है क्या कि जब कभी भी हम जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या लिया रीडिंग लिया, ठीक है, मान लो कि हमने चेंज कराया, तो चेंज कराते टाइम हम क्या करते हैं, मान लो हमने इनके और इनके बीच में हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा, तो ऐसे केस में क्या होता है, इसके लिए तो क्या होगा, ये इस इंस्ट्रूमेंट वन के लिए इस यहाँ पर आप क्या लोगे, कौन सी रीडिंग लोगे, यहाँ पर फोर साइड रीडिंग लोगे, ठीक है. बट चेंज पॉइंट जिसके आप बियॉन्ड चेंज करते हो वहां पर जो रीडिंग्स लेते हो नेक्स्ट स्टेशन के लिए यहाँ पर कौन सी रीडिंग होती है, बैक साइड. तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर मेंशन नहीं है. बट अगर हम ये सोचें यहाँ पे क्या है, स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ बेंचमार्क, ठीक है, मतलब बेंचमार्क या फिर चेंज पॉइंट पर जो रीडिंग्स लेते हो, यहाँ पर आप बेंचमार्क से एज्यूम कर लो क्योंकि बेंचमार्क पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी रीडिंग ली जाती है, बैक साइड रीडिंग ही ली जाती है. तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि चेंज पॉइंट पर हम दोनों ही रीडिंग ले सकते हैं, फोर साइड प्लस बैक साइड, मतलब दोनों ही ऑप्शन सही होंगे. बट रेफरेंस आपको दिया है बेंचमार्क और चेंज पॉइंट दोनों पर, तो दोनों पर कॉमन क्या होगा, दैट इज बैक साइड. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर दो. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन अ टर्निंग पॉइंट इज, टर्निंग पॉइंट पर आप कौन सी रीडिंग्स लेते हो, फोर साइड, बैक साइड, बोथ फोर साइड एंड बैक साइड या फिर नन ऑफ द अबव. अब तो इसका आंसर पता चल गया, टर्निंग पॉइंट पर हम दोनों ही ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कौन सा, फोर साइड भी लेते हैं बट वो किसके लिए होता है, प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट लोकेशन से होता है. बैक साइड किसके लिए, जो आप नया पोजिशन लियो, जो आप शिफ्टिंग की हो उसके लिए क्या होता है, दैट इज अ बैक साइड. क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर टेन के आंसर दो. द बेंचमार्क स्टेबलाइज्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट विद वेरी हाई प्रिसीजन विद रेफरेंस टू मीन सी लेवल इज नोन एज, जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, आर्बिट्री बेंचमार्क या फिर टेम्पररी बेंचमार्क, व्हिच वन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर टेन का जल्दी से आंसर दो. क्वेश्चन नंबर टेन, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज परमानेंट बेंचमार्क. परमानेंट बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में हम आर्बिट्री या फिर टेम्पररी बेंचमार्क डिसाइड करते हैं, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर दो. इन अ डंपी लेवल द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंसेज आर मेड ऑफ टू और मोर स्मॉल लेंसेज टू ऑब्टेन. In a dumpy level, the objective and eyepiece lenses are made of two or more small lenses to obtain distinct image, shorter focal length, reading even in less light, that is all of the above. Question number 9 mein first pucha tha, ek second, let me check. The first observation, okay, it's my mistake. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या लेते हो आप, फोर साइड लेते हो. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. थैंक यू अभिलेश एंड राजन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर दो. इन अ डंपी लेवल द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंसेज आर मेड ऑफ टू और मोर स्मॉल लेंसेज टू ऑब्टेन.
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। ऑप्शन नंबर डी स्क्रैम, मतलब हर चीज के लिए इमेज भी क्लियर बनती है, फोकल लेंथ ज्यादा दूर भी नहीं होता है, अगर कम लाइट होता है तो उस केस पे भी क्या होता है, इफेक्टिव होता है। सो ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो, क्रॉस हेयर्स इन सर्विंग टेलीस्कोप आर फिटेड, कहां पर फिटेड होता है, एट द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप, इन द ऑब्जेक्टिव ग्लास, इन फ्रंट ऑफ आईपीस, एनीवेयर बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। वेरी गुड अभिलेश मीना, दैट इज इन फ्रंट ऑफ आई पीस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म शुड लाई, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म शुड लाई एट द आई पीस, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, इन द सेंटर ऑफ द आई पीस, एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस, विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर, दैट इज द इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स, क्रॉस हेयर्स के प्लेन पर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो, द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम एनी लेवलिंग स्टेशन टू द लेवलिंग स्टाफ इज कॉल्ड, जो आप लास्ट रीडिंग लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट रीडिंग लेते हो दैट इज द बैक साइड, जो लास्ट लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर साइड, और जो उनके बीच में होता है उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इंटरमीडिएट। यहां पर फोर्स नहीं है, यहां पर क्या फोर है, दैट इज ई, दैट इज फोर साइड, एफ ओ आर ई। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया है अमलेश मीना, कमलेश, सुभाष, स्नेहा, राजन, सिमरजीत, रश्मि, सौवज, वेरी गुड। नाउ ऑप्शन नंबर 15 का आंसर दो, द वाटर सरफेस अ स्टील पॉन्ड रिप्रेजेंट्स अ, वाटर सरफेस अ स्टील पॉन्ड रिप्रेजेंट्स अ स्पाइरल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्पाइरल सरफेस अगेन, एंड कर्व सरफेस, विच वन इज करेक्ट। यहां पर ये स्पाइरल सरफेस नहीं है, ये क्या है आपका, लेवल सरफेस, लेवल सरफेस, इज नॉट ए स्पाइरल, इज द फर्स्ट वन इज लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्पाइरल सरफेस एंड कर्व सरफेस, विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी गुड, ये बात समझाती है, लेवल करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉन्ड का यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो, इफ द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप आर बोथ केप्ट फिक्स्ड एंड द फोकसिंग इज डन विद द एड ऑफ एन एडिशनल लेंस व्हिच इज मूव्ड अलोंग एंड इनसाइड द ट्यूब कैरिंग द ऑब्जेक्टिव, देन दैट टेलीस्कोप इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, टैकियोमेट्रिक टेलीस्कोप, या फिर सेल्फ एडजस्टिंग टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 16 का सबसे पहले आंसर दिया है सिमरजीत सिंह ने, वेरी गुड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी स्केट, दैट इज अ इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो,
While adjusting a leveling instrument, if telescope cannot be moved independently, then that instrument is called IOP level, Y level, hand level या फिर dumpy level. Which one is correct? Question number 17 का answer तो जल्दी से. Very good. Rajan works. Suspense दिया Rajan works ने. Question number 17 का option number T is correct. That is dumpy level. क्या बोले इसको? Dumpy level. Now, question number 18 का answer दो. Reading of the metric leveling stock can be taken accurately up to. Rajan works, Johan Kashmiri, Subhashis Jina, शानवाज अब्लेस. वेरी गुड, सभी का आंसर सही. डंप लेवल. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, रीडिंग ऑफ द मेट्रिक लेवलिंग स्टाफ कैन बी टेकन एक्यूरेटली अप टू. क्वेश्चन नंबर 18 का जल्दी से आंसर दो. Threads from the cocoon of the brown spider, या फिर any of the above, which one is correct? Question number 19 के आंसर दो. बेगम तेज प्रताप, बाकी लोग सभी लोग आंसर दो. Question number 19 का जो correct answer that is any of the above, किसी से भी आप बना सकते हो. फिलामेंट ऑफ सिल्क यूज कर सकते हो, फाइनर प्लेटिनम वायर यूज कर सकते हो, थ्रेड ऑफ कोकून यूज कर सकते हो. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो. अ कंपाउंड लेंस फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन इज कॉल्ड. फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन, एब्रेशन क्या होता है? डिफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, सो विच वन इज करेक्ट? A compound lens free from spherical aberration is called. Question number 20 का answer. आपको पता है कि दो टाइप के aberration होते हैं, दो टाइप्स के defects होते हैं. एक होता है spherical, दूसरा होता है क्या? Chromatic aberration. ठीक है, समझो जिसमें आपके पास स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन. बट जिसमें आपके पास क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ अप्लैंटिक. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर. इन अ सर्वेइंग टेलीस्कोप एंड आईपीस हैविंग टू Panoconvex lenses separated by a distance equal to 2/3 of the focal length of larger lens and twice the focal length of larger lens. ठीक है, and twice the focal length of the smaller lens is known as Norman's eyepiece, Ramsden eyepiece, SJ eyepiece या फिर Higgins eyepiece. Which one is correct? Question number 21 का जल्दी से answer दो. That is option number A is correct. That is the Norman's eyepiece. Question number 22 का answer दो. The capability of a telescope to produce sharp images is known as its. क्या बोलते हैं इसको? द
The capability of a telescope to produce sharp images is known as magnifying power, sensitivity, aperture, या फिर resolving power. Which one is correct? Question number 22 का आंसर हो. ये क्वेश्चन आपके डीआरडीओ क्वेश्चन में आता है, जो आप लोग पूछ रहे हो. ठीक है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. डोंट वरी, ऐसा भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है जो आउट ऑफ सिलेबस होगा. क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए हम ये सब क्वेश्चंस पूछ आपसे डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दो. सिमरजीत सिंह, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इट इज अ रिजॉल्विंग पावर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दो. अ डायगोनल आईपीस इज प्रोवाइडेड विद. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दो. अ डायगोनल आईपीस इज प्रोवाइडेड विद a reflecting prism, a mirror fitted at 45 degree with the axis of telescope, a piano convex lens, या फिर A and B both above. Which one is correct? Question number 23 का आंसर दो. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दो. Very good. Option number D is correct. That is both A and B. Reflecting prism and a mirror fitted at 45 degree with the axis of telescope. Now, question number 24 का आंसर तो ये तो पता ही है ना सभी को. ये तो आंसर दे सकते हो. A magnification of a telescope depends upon. A magnification of a telescope depends upon focal length of objective lens, focal length of eyepiece, 1 by focal length of objective lens, या फिर focal length of the objective lens divided by focal length of eyepiece. Which one is correct? Question number 24 का आंसर दो. जल्दी से question number 24 का आंसर दो. तुक्का लगा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी तुक्का लगा लो. इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहां पे करेक्ट आंसर देना. क्वेश्चन नंबर 24 को जब करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर. दैट इज अ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप. नाउ क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दो. इन अ सर्विंग टेलीस्कोप आईपीस हैविंग टू प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ आइडेंटिकल फोकल लेंथ सेपरेटेड बाय distance equal to 2/3 of focal length of either is known as Ramsden's eyepiece, achromatic eyepiece, Huygens eyepiece, या फिर Norton's eyepiece. Question number 25 का आंसर दो. कोई नहीं, इसका आंसर मैं देता हूं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि आप फिर कहोगे सर आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है. आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो. द पावर ऑफ टेलीस्कोप टू फॉर्म क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय स्मॉलर एंगुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड. क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो. The power of telescope to form clear and distinct images of objects separated by smaller angular distances is called. Question number 26 का जल्दी से आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ डेफिनेशन. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ डेफिनेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दे दो. द
द डायफ्राम, ये तो आंसर दे दोगे ना। द डायफ्राम ऑफ अ सर्वेइंग टेलीस्कोप इज हेल्ड इनसाइड द टेलीस्कोप। द डायफ्राम ऑफ अ सर्वेइंग टेलीस्कोप इज हेल्ड इनसाइड द टेलीस्कोप इन द ऑब्जेक्टिव, इन द आईपीस, एट द एंड नियरर द आईपीस, एट द मिड पॉइंट। विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चंस नहीं आ रहे कोई बात नहीं, अब क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके बाद आपके पास सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एट द एंड नियरर द आईपीएस। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दो। इसका तो आंसर दे ही दोगे ना, अब तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर दो। अ मेथड ऑफ लेवलिंग इन विच द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय टू सेट्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप द लेवल बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, फटाफट आंसर दो। वेरी गुड, दैट इज अ रेसिप्रोकल लेवलिंग। दोबारा समझाती है, जब आप फिजिकली दो पॉइंट्स के बीच में इंस्ट्रूमेंट को सेटअप ही नहीं कर सकते हो तो वहां पर किसका यूज करते हैं हम? किसका यूज करते हैं हम? रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल तो बताइए, मानो बीच में क्या रिवर है, यहां पर कोई पॉइंट है, बैंक्स, रिवर बैंक्स में कोई पॉइंट है, मानो ए एंड बी, इनके बीच आपको क्या करना है? लेवलिंग करनी है। अब आपने इंस्ट्रूमेंट कहीं यहां पर सेटअप किया ना, तो बीच में ऑब्वियस है, बीच में तो आप कहीं पर स्टाफ लेवल को रख ही नहीं सकते हो। तो ऐसे केस हम किसका यूज करते हैं? रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। मतलब व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटअप द लेवल बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज रेसिप्रोकल लेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर इन लेवलिंग? कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर है? एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, एरर ड्यू टू स्लगिस बबल, एरर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव साइड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। विषय तेज प्रताप, आपको जो भी बातचीत करनी है हमसे बातचीत करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर इन लेवलिंग? वेरी गुड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दो। Very simple questions. Which of the following may be classified as personal error in leveling? Error in sighting, wind vibration, error due to defective joint, या फिर atmospheric refraction. Personal error बोला गया है। Question number 30 के जल्दी से answer दो। Which of the following is instrument? Sorry. Which of the following may be classified as personal error in leveling? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी गुड, दैट इज एरर इन साइटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एरर इन लेवलिंग? नेचुरल एरर क्या होगा? विंड वाइब्रेशन, अर्थ सरफेस, सॉरी अर्थ कर्वेचर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या फिर ऑल ऑफ देम। नॉर्मल चीज है, इन सभी पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो नेचुरल की वजह से दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आप विंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, अर्थ कर्वेचर की वजह से भी एरर इंट्रोड्यूस होते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से भी एरर इंट्रोड्यूस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दो।
क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दो जल्दी से। द करेक्शन इन एलिवेशन, दिस इज नॉट डाई, दिस इज द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू द कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? डी बाई आर, डी स्क्वायर बाई आर, आर बाई डी स्क्वायर या फिर आर बाई डी। ये यहां पर ऑब्लिक साइन है, ऑब्लिक साइन है। विच वन इज करेक्ट? जहां पर आर पता है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ स्टेशन एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दो जल्दी से, आंसर दो क्वेश्चन नंबर 32 का। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। B, very good. That is D square by R. Option number D is correct. Now, question number 33 ka answer do. The correction to be applied for eliminating the effect or Earth's curvature is. The correction to be applied for eliminating the effect of Earth's curvature is. Effect of Earth's curvature is additive, subtractive, compensating ya phir cumulative. क्या होता है अर्थ कर्वेचर की वजह से? करेक्शन बोला गया है, यहां से ग्रह एरर नहीं पूछा गया, करेक्शन पूछा गया। करेक्शन ड्यू टू अर्थ सरफेस क्या होता है? जल्दी से आंसर दो इसका फटाफट। नेगेटिव होता है क्या? दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका, दैट इज अ सब्सट्रैक्टिव। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दो। इन लेवलिंग द एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज, इससे रिलेटेड हमने यहां पर सर्विंग में हमने इससे रिलेटेड डिटेल्स में हमने वहां पर क्लासेस भी दी है, आप लेक्चर को अटेंड करना, वहां पर कंप्लीट लेवलिंग हमने फिनिश किया हुआ है। आप लोग एक दूसरे के कमेंट से इंटरफेयर मत हो, ठीक है? सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ खुद को और क्वेश्चंस को और हमें याद रखिए, बस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होता है? एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एरर बोला गया, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होता है? That is negative. Option number B is correct. ये mistake करते हो। अरे correction for curvature is negative and correction for refraction is positive. Correction positive है तो फिर error due to refraction क्या होगा? Negative होगा ना? Just because of error is negative of correction. ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करो। सभी लोग लाइन से दे दिया ए ए ए ए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दो। अ करेक्शन फॉर एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अब इसका आंसर तो यहां पर क्या दिया गया है? करेक्शन, यहां पर करेक्शन बोला गया है, करेक्शन फॉर एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दो। दैट इज 0.0112 डी स्क्वायर, यही होता है क्या? दैट इज सी आर, पॉजिटिव साइन के साथ। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दो। द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड अर्थ कर्वेचर इज, कंबाइंड करेक्शन बोला गया। सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन में कि करेक्शन बोला गया या फिर एरर पूछा गया। करेक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है? दैट इज अ सब्सट्रैक्टिव। कंबाइंड करेक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दो। इन लेबलिंग द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज टू, क्या होता है? रिड्यूस द स्टाफ रीडिंग, इंक्रीज द स्टाफ रीडिंग,
distort the staff reading या फिर null of the above. Which one is correct? Question number 37 के आंसर तो जल्दी से आंसर. Error negative होता है तो error क्या होगा positive, option number A is correct. क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर दो. द एब्सेंस ऑफ स्फेरिकल एपरेशन इन अ टेलीस्कोप इज नोन एज, इसको तो अभी हमने बताया. चलिए इसका आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दो. इसका आंसर हम दे चुके हैं. Now, question 40 के आंसर दो. The magnification of a telescope depends upon, इसका भी आंसर हम दे चुके हैं. ठीक है. Now, question 41 के आंसर. In an interfocusing type of telescope, the lens provided is, in an interfocusing type of telescope, the lens provided is, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दो. इन एन इंटरफोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप द लेंस प्रोवाइडेड, क्वेश्चन नंबर 37 का डाउट है. अरे देखो ना, रिफ्रैक्शन बोला गया है, कर्वेचर नहीं बोला गया है. मिस्टर रेहू, सॉरी मिस रेहू, कौन है भाई, मिस्टर या मिस जो भी हो. बढ़िया ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन 41 का आंसर दैट इज द कॉनकेव लेंस. मतलब आपके अकॉर्डिंग ये बताओ, ये बताओ, जो आपसे हो जाते हैं वो बढ़िया हो रहे हैं, ठीक है. जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप कमेंट कर रहे हो, सर कोई बढ़िया क्वेश्चन दीजिए. नाउ क्वेश्चन 42 का आंसर दो. The sensitivity of bubble tube can be increased by, चलो आगे बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल है, आपसे हो जाएगा, जल्दी से आंसर दो. क्वेश्चन 42 का आंसर दो. The sensitivity of a bubble tube can be increased by, क्वेश्चन नंबर 37 से रिलेटेड. देखो हमने कंप्लीट, हमने बताया ना, आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब में, फ्री में है, कि वहां से आपसे कोई पेड बैच पैसा नहीं है. सभी के लिए कॉमन हमने क्लास दी है, सभी के क्लास के लेक्चर को अटेंड करो आप. वहां पर एरर्स हमने डिटेल्स में एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया है. क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, हमको सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब को बढ़ाना है.
कैसे बढ़ेगा? डिक्रीजिंग द रेडियस, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बबल, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब. देखो हम यहाँ पर इन चीजों को यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सभी हमें सॉल्व करने हैं मैक्सिमम, और प्लस इनको हम जब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, हम आपको रिफर कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकालकर जितने भी हमने लेक्चर्स लिए हैं सर्वे में, टोटल 17 लेक्चर्स दिए, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने कवर किया है, उसको आप एक बार देखो, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, देन क्वेश्चन को अप्लाई करो. ठीक है, जो जो क्वेश्चन पर आपको डाउट आ रहा है उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को वहां पे, उससे रिलेटेड वीडियोस को देखो, लेक्चर्स को देखो. फिर भी अगर फर्दर कोई डाउट आता है तब फिर आप मुझसे कमेंट करिए, सर हमने लेक्चर्स देखे, वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही. बाकी आप सभी को हमने टेलीग्राम का ग्रुप भी दिया हुआ है, आपको कोई भी क्वेरीज होती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप डायरेक्टली वहां से आप कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दो. In a constant level tube, size of the bubble constant because upper wall of tube has. Which one is correct? In a constant level tube, size of the bubble constant because upper wall of tube has. Question number 43 can answer. It's very simple question. क्या होगा? That is relatively large radius. समझ में आता है ना? क्या होता है? इस तरीके से and इस तरीके से. Center अगर दोनों का same है, अगर center दोनों का same है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ये तो inner side वाला हो गया. इसके तो radius कम होगा ना? Outer वाले का radius क्या होता है? ज्यादा होता है. इसी वजह से ज्यादा variation देखने को नहीं मिलता है. Constant मिलता है. ठीक है? That is relatively larger radius. क्वेश्चन 44 का आंसर दो. If temperature increases, the sensitivity of bubble tube क्या होगा? क्वेश्चन 37 में स्टिल आप लोगों को डाउट आ रहा है. क्वेश्चन 37 को ध्यान से देखो. इन लेवलिंग द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. देखो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? एरर को फाइंड आउट करते हैं ना, उसके बाद देन हम क्या करते हैं? करेक्शन अप्लाई करते हैं. तो हम एरर जो फाइंड आउट करते हैं, तो एरर के बिहाफ पर, एरर हो रहा है तभी तो उसको हम करेक्शन करने जा रहे हैं ना. तो एरर के टर्म्स में देखोगे ना, क्योंकि एरर, देखो पहले तो एरर इंट्रोड्यूस होगा ना, मतलब लाइन ऑफ साइट पहले एरर दे रही होगी, तब वहां पर करेक्शन अप्लाई करते हैं. एरर का फॉर्मूला क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू समथिंग ऑफ इस भी आप जस्ट कर. बाकी आपने डिटेल्स में इसका आंसर दिया है आपको, तो असल में जाके आंसर देखो आप. क्वेश्चन नंबर कहां पर थे? फोर्टी फोर का आंसर दो आप सब. एक बार उसको अटेंड करो ना, वहां पर हमने डिटेल्स में, यहाँ पर हमने तो ऐसा अभी तक टाइम नहीं है ना कि हम थोड़ा सा डिफ्रैक्शन फिर से यहाँ पर समझाएं, क्योंकि डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए आपको पहले कर्वेचर पता होना चाहिए. ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार अटेम्प्ट करो, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं ही ना, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं, मैं जस्ट अभी के लिए मना कर रहा हूं. चलो ये नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको आंसर दूंगा नहीं. क्वेश्चन 44 का आंसर दो. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब इज. क्वेश्चन 44 का आंसर दो. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? विस्कोसिटी कम होगी क्या? अगर विस्कोसिटी कम होगी तो क्या होगा?
that is the specificity of bubble tube is increases. That is option number A is correct. Question 45 answer though. Sensitivity of level tube is expressed by length of level tube, radius of level tube, length of bubble of level tube, yep, all of the above. Question number 45 answer though. Question number 45 answer though. Jaldi se question number 45 answer though. Sensitivity of a level tube is expressed by that is option number B is correct. That is the radius of level tube. So thank you. Thank you all. कुछ important questions और हैं उनको हम कल की क्लास में देखेंगे. कल हम remaining जितने भी surveying के remaining chapters हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप सभी के डाउट्स भी लेंगे. ठीक है, और तब तक आपके पास टाइम भी है, एक काम करो, आराम से पहले सारे लेक्चर्स आप देख लो, उससे आपका सर्वेइंग और भी स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे. उसके बाद फिर अगर आप कुछ भी पूछते हो तो ऐसे केस में आपको और भी अच्छे से डाउट क्लियर होगा. ठीक है, ठीक है रेहू, आपका भी हम सजेशन बिल्कुल लेते हैं. एक दिन में सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एक दिन में हम सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू बस. सभी लोग वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो. ऑब्वियसली कुछ आपको काफी ज्यादा नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो ऐसे नहीं इसको हमने कहीं से भी रैंडमली उठा लिया. ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस किसी एग्जाम में पूछे गए, इस वजह से हमने उससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. बाकी आपको कोई भी डाउट हो रहा है आप जस्ट टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करना, वहां पर हम सभी के जरूर हम लेंगे, सभी के डाउट्स हम लेंगे. ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन ये क्या है, सीरीज पार्ट 4 है. पार्ट 3 में जब आप जाओगे वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन है, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का हमने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से एड ऑन हुई है, और जितने भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, सभी को आप वहां पर पूछना. ठीक है, वहां पर सभी स्टूडेंट से आपस में डिस्कशन कर सकते हो वहां पर. ठीक है, और जैसे ही मेरे पास टाइम मिलेगा हम आप सभी के कमेंट्स को वहां पर लेंगे, आपके जो भी क्वेरीज होंगे सभी को हम सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. सब लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो नए एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. कल हम इसी के सीरीज को आगे लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उन सभी को हम डिस्कस करें. सो कल का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल.